तो आज के टॉपिक को बुक से रीड आउट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, कि कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से रिफाइनिंग करना यानी सफाई करना, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है इस टॉपिक को। इम्प्योर कॉपर इज रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड से इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से इम्प्योर कॉपर को रिफाइन करते हैं, साफ करते हैं और उसे तब्दील करते हैं प्योर कॉपर में। इम्प्योर कॉपर एक्स एस दी एनोड, एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर से बनता है, और कैथोड एक्स एस दी क्या है, प्योर कॉपर प्लेट, ये जो प्योर कॉपर प्लेट है उसके उसको हम इस्तेमाल करेंगे कैथोड के तौर पर, और इन दोनों को हम डिप करेंगे एक सोल्यूशन में जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे हम, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन वाटर, पानी में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे, वो किस तौर पर काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा कहाँ पर, एनोड पर। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है। कॉपर एटम्स फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर, कि जो इम्प्योर कॉपर एनोड था उससे कॉपर एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और क्या बना देंगे, तो एनोड पर कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर होता है, एनोड पर, और वो डिजोल्व हो जाएंगे सोल्यूशन में और बना देंगे कॉपर आइंस। ठीक है, कॉपर सॉलिड मेटल एटम्स जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो चार्ज आएगा टू पॉजिटिव, तो ये एक्वस स्टेट में आ गए, पानी में आ गए, सोल्यूशन में आ गए, इसलिए ये क्या है, इसकी स्टेट एक्वस। रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर। ठीक है, कॉपर आइंस जो है वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, दे आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड। ठीक है, क्योंकि कॉपर आइंस पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्जेस वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जब वो कैथोड पर जाते हैं तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाते हैं, सॉलिड होने के बाद वो वहीं कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन से जाएंगे कैथोड पर, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और बना देंगे कॉपर सॉलिड मेटल एटम। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर कॉपर इज ईटन अवे एंड प्यूरिफाइड कॉपर एटम्स डिपॉजिट ऑन द कैथोड। तो यहाँ पर इस फिगर में हम देख सकते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक कंटेनर है जिसमें हमने सोल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, कॉपर सल्फेट का पानी में सोल्यूशन लिया, और हमारे पास इसमें हमने एनोड और कैथोड को डिप किया। एनोड और कैथोड को कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू बैटरी से। एनोड क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। एनोड हमने लिया इम्प्योर कॉपर का बना हुआ और कैथोड क्या है, प्योर कॉपर से बना हुआ। क्या होता है, जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू होता है तो कॉपर की यहाँ पर जो इम्प्योर कॉपर का रॉड है, यहाँ से कॉपर एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और बनाते हैं कॉपर आइंस। कॉपर टू पॉजिटिव आइंस सोल्यूशन में आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ पर सोल्यूशन में आ गए और सोल्यूशन से कहाँ चले जाते हैं, कैथोड की तरफ। कैथोड पर जब अट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो क्या बना देते हैं, सॉलिड मेटल एटम, जो कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं डॉट्स की सूरत में, तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं इस प्योर कॉपर की प्लेट पर। इस तरह से हम कॉपर को प्यूरीफाई कर लेते हैं।